डियर माई स्टूडेंट और माई नर्सेस, जो भी आज हमारा जो कन्वर्सेशन देख रहे हैं, आज हमारे साथ है रुपिंदर कौर, पंजाब से है, वो नर्स है, इवन नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी है, तो वो अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। इनका नर्स जॉब वीज़ा लग चुका है एंड शी इज ट्रैवलिंग टू जर्मनी इन आई थिंक फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे ऑन 6th ऑफ अक्टूबर। सो हम रुपिंदर से जानेंगे आज, उनसे कुछ सवाल करेंगे, ताकि आपकी सारी, अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी के लिए, तो आपकी क्यूरीज भी क्लियर हो जाए। तो हेलो रुपिंदर, प्लीज अपने बारे में थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, क्या है, थोड़ा पहले बताइए। सर, माई सेल्फ रुपिंदर कौर, मैं पंजाब से हूँ और आई एम MSc इन नर्सिंग, और मेरी स्पेशलिटी है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, और मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही हूँ नर्सिंग कॉलेज में। नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है। अब आपको कैसा लग रहा है, आपका वीजा लग गया है, आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील? जी सर, काफी अच्छा लग रहा है। बिकॉज पहले मैंने ट्राई किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो है वो वीजा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन आई मेट विद वेलकेयर ओवरसीज एंड उसके बाद जो है इनका जो सारा प्रोसेस है दैट इज वेरी लीगल है, जेन्युइन है, और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट माई वीजा। तो जब आप हमसे मिले तब आपको लगा कि अब आपका सपना पूरा हो सकता है डेफिनेटली सर, और जैसे आप जो आपने सारा प्रोसेस, वट एवर यू टोल्ड, जो हमें बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही सारी प्रोसेसिंग हुई है। उसमें कोई भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करने को मिली। जैसे स्टेप्स बताए गए थे वैसे ही फॉलो किए गए हैं, और हमने उसके बाद ही आई गॉट माई वीजा एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। आपको कहीं भी तकलीफ आई इस प्रोसेस में, आपको हमें वीजा दिलाने में, आपके जॉब में, आपके ऑल डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी आपको तकलीफ आई क्या? नहीं सर, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आई है वहाँ पे मुझे, कोई मेरे डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे हमें 100% सपोर्ट मिली है और 100% डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए गए हैं। कोई भी चीज़ को हाइड नहीं किया गया, एवरीथिंग इज क्लियर। ये आप दिल से बोल रहे हो क्या? सच बोल रहे हो ना? ये डेफिनेटली आवाज दिल से डेफिनेटली आ सर, रही है? ये डेफिनेटली सर, दिस इज फ्रॉम माय इनर कोर ऑफ हार्ट कि दिस एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ भी हाइडेड नहीं था, सारा लेकिन प्रोसेस इज क्लियर था। शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा आपको, जब आपने स्टार्ट नहीं किया था, आप सोच रहे थे स्टार्ट करने का, तब थोड़ा आपके दिल में हेजिटेशन था, करेक्ट? उस टाइम डेफिनेटली होता है सर, क्योंकि पहले एक बार प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो जब एक बार आ तो डेफिनेटली मन में एक बार डाउट तो होता ही है कि यहाँ पे हमें वो चीज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वीजा लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। वही तो क्या है ना कि हमारा काम ही ऐसा है कि हम, पहला चीज तो मेरा जो वर्क एथिक से बहुत ही डिफरेंट है दूसरे लोगों से। यहाँ पे ना कोई हाइड एंड सीक जैसा आपने बताया, ना ही कोई मिसगाइड चीजें, जो भी है कि भाई रुपिंदर मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा, तो सब चीज वैसे वैसे ही। डेफिनेटली आपने भी देखा है कि हर चीज अपने टाइम टाइम पे होती गई। हाँ, थोड़ा प्लस माइनस टाइम बिल्कुल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो वो हुआ है थोड़ा प्लस माइनस, बट हर चीज आपकी एकदम सर, हाँ प्रॉपर जी वे में डेफिनेटली सर, ये मैनेज तो करती हुई है, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और हाँ जी सर, डेफिनेटली सबसे अच्छी बात यह है कि हम कभी मिले नहीं, हम लोग कभी मिले हैं, आज ही सिर्फ मिल रहे नहीं हैं सर, फेस टू फेस। तो हाँ जी सर, आपकी तरह मेरी जो भी बहुत बात हुई सारी है ऐसी हमारी फोन पर नर्सेस ही हैं, हुई। हाँ, कभी मैं मिला नहीं हूँ। इवन हमारी नर्सेस गल्फ कंट्री से भी है, सर्बिया से भी है, अफ्रीका से भी है, बांग्लादेश से भी है, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बट जब हम काम उस तरह से करते हैं तो हमें वो चीजें मिलती है, और ब्लेसिंग्स भी आप जैसे लोगों से ज्यादा मिलती है, और उसकी वजह से मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि
क्योंकि राइट वे में काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, 1% ही हाँ जी लोग हैं सर, जो सही तरीके से काम करके आपको देते हैं और आपकी मंजिल को आपको पहुंचाते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हो? आपके हस्बैंड तो आप एकदम पूरा एकदम रसगुल्ले की तरह खुल गए अभी, एकदम खुल गए। आप क्या बोलना चाहते हो सर? नहीं सर, ऐसा ना, पहले जब ट्राई किया था ना, तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, इतने तक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने हमारे पैसा वेस्ट हुआ होगा सर, इवन आपका पैसा भी वेस्ट हुआ। पैसा सर, पैसा वेस्ट हुआ, जो मनी हमने शो की ना, उससे साथ हमको बहुत नुकसान हुआ, जो जैसे आपके पास लगाने से मनी नहीं शो करनी पड़ी। करेक्ट, मनी शो करने का कोई मैटर नहीं है, जॉब दे रहे ना, इसलिए मनी शो का कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं नहीं सर, जॉब वाले भी हमसे मनी शो करा गए। अरे अरे, मतलब वो अपने बेनिफिट्स के लिए, वो लोग ऐसे ही होते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करते होंगे। जॉब के लिए 15-16 लाख रुपया मनी शो करा गए हमसे जॉब के लिए। सो थैंक्स सर, आपका थैंक्स कहना चाहते हैं और कहेंगे। तो आपका प्रोफेशन क्या है रुपिंदर सर? का क्या प्रोफेशन है सर? ये गवर्नमेंट जॉब पे है। अच्छा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। हाँ जी सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। अच्छा, इरिगेशन में सर, इरिगेशन में। हाँ जी। अभी और एक अच्छा चीज क्या होने वाला है जर्मनी में, आपको पता है? पहले जो स्पाउस वीजा के लिए A1 लगता था ना, वो भी हट रहा है, अभी A1 भी नहीं चाहिए होगा, शायद नवंबर से लागू हो जाएगा। तो फिर हम बाद में, जैसे ही आपका वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो जाए, 3 महीने का सैलरी बन जाए, फिर साहब जी को भी पीछे से आप अप्लाई कर सकते। ओके सर, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात हो रही है सर। दिस इज अ गुड थिंग। इवन और एक नया रूल आने वाला है, जहाँ पे पहले क्या होता था कि आप किसी भी कंट्री जा रहे हो तो वो कंट्री में आप पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हो तो वो एज ए विजिटर ही जाते थे, मैक्सिमम 3 मंथ्स। बट अभी जर्मनी में नया रूल आ रहा है कि जब तक आप रहोगे तब तक आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रह सकते। और हमारा सपोर्ट तो आपको यहाँ भी नहीं, जर्मनी में भी हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है, आपको कहीं भी एक रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जर्मनी जाके भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको एयरपोर्ट पिकअप से मैं पिकअप करवा के, एकोमोडेशन लेके जाके, सब कुछ चीजें सही करा के, फिर वहाँ पे हमें लोकल क्या क्या अपॉइंटमेंट लेना, कहाँ क्या करना, सब कुछ हमारा काम है। तो आपको टेंशन नहीं लेना वहाँ के, वहाँ जाके कहाँ जाओगी क्या करोगी, बेफिक्र रहिए। आप सर जी को भी बोल रहे, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो आप जो नर्सेज जो आने वाली है, मान लो कोई नर्स आपका ये वीडियो देखेगी, हम इसको करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो जर्मनी जैसा कंट्री, मैं... और आप क्या बोलना चाहते हो हमारे लिए भी और आने वाली नर्सेज के लिए? डेफिनेटली सर, जो जर्मन है दैट इज अ वेरी गुड कंट्री, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द नर्सेस, बहुत अच्छा फ्यूचर है फॉर द नर्सेस, और एवरीवन शुड ट्राई कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जाना चाहिए फॉर द ब्राइट फ्यूचर। तो और डेफिनेटली उन्हें ज्वाइन करना चाहिए वेलकेयर ओवरसीज को, ताकि दे कैन हैव अ गुड गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड दे कैन गो देयर फॉर देयर जॉब पर्पस एंड दे कैन अर्न वेल फॉर देयर गुड फ्यूचर। करेक्ट। अब आपका जो नर्सिंग स्कूल है वो भी आपको फॉलो करेंगे, वो भी आपके पीछे काफी बच्चे आएंगे, क्योंकि इतना राइट वे में, जेन्युइन वे में काम कोई नहीं करता है। आपके उधर तो बहुत चीजें फ्रॉड हो जाती है, बहुत सारी चीजें, आपका पैसा लेके भी गायब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बट आपके जैसे मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स है और सब भी खुश है, जर्मनी में हो सब खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं हमेशा व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल रहते ही हूँ, कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको क्यूरीज मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए आज के लिए, और जो भी नर्सेस हमारा देखेगी तो वो समझ सकती है कि हमने आपकी कैसे हेल्प की, और आप कितना आज खुशी खुशी से हम लोग बात कर रहे हैं आज। और मैं भगवान से यही, रब से यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा वहाँ भी जाके खुश रहे, और सर जी को भी जल्दी से जल्दी लेके जाए,
उसमें भी जो हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ओके।